ओ भाई ग्रेनेड का ब्लूप्रिंट एंड लार्ज जनरेटर। ओ भाई गाइस अपन को एक बड़ा जनरेटर का ब्लूप्रिंट मिल गया है एंड AK-47। तो हेलो गाइस, क्या हालचाल, बढ़िया सब। तो गाइस एकदम दोबारा के लिए मैंने यहां पे सन का लैंड। तो गाइस जैसे कि लास्ट वाले एपिसोड में अपन लोगों को यार जो है भाई हेलीकॉप्टर बनाने का ब्लूप्रिंट मिल गया था और उसी एक्साइटमेंट में जो था मैं उस आइलैंड को जो है भाई बिना लूटे ही वापस आ गया। और उसका रीजन ये था क्योंकि मेरे को अब जो है हेलीकॉप्टर बनाना है। और बट गाइस उस हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने सामने आ रही थी वो ये थी कि गाइस अपने पास में जो है स्टील के भाई इंगट लगने वाले हैं वो भी 10, ठीक है। और वो बनाने के लिए भाई अपने पास आयरन नहीं था। तो इसी बीच तुम्हारे भाई ने थोड़ा ऑफलाइन गेम को जो है आइलैंडों को एक्सप्लोर करके ग्राइंड करके देख सकते हो गाइस इन्वेंटरी भर के जो है मैं भाई आयरन के ही और लेके आया हूं। कॉपर में बहुत ही कम लेके आया हूं क्योंकि कॉपर का जो है अपन लोगों को यार ज्यादा नीड नहीं पड़ रही है, तो इसीलिए मैं कॉपर बहुत ही कम लाया हूं। एंड फिलहाल के लिए मेरे को लग रहा है जितना भी अपने पास कॉपर है ना इतने में भाई अभी अपना ये वाला पूरा बैरल भर गया है। एंड अभी जो है भाई फटाफट से अपन एक काम करते गाइस अपने आयरन को जो है स्मेल्ट पे मैं लगाता हूँ। और लास्ट टाइम मेरे को एक कमेंट भी आया था कि अनमोल भाई आपने ना अपना जो आयरन था ना वो स्मेल्ट के लिए लगाया था, तो एकदम बिल्कुल सही जवाब है भाई हाँ आपका कि मैंने ना इसको भाई जो है स्मेल्टिंग के लिए लगा दिया था और मेरे को ना ध्यान भी नहीं है। तो चलो यहाँ पे जो है अपना थोड़ा बहुत जो है आयरन अपने को भाई 7 है बट मेरे को ना इसको जो है इसमें डालना पड़ेगा क्या बोलते हैं फर्नेस के अंदर, और जिसमें कि एक बारी में 5 से जो है भाई एक स्टील की स्टील नहीं हाँ एक स्टील बनती है, मतलब 5 आयरन इंगट से एक स्टील इंगट बनता है गाइस। तो भाई बहुत ही ज्यादा जो है अपन को अभी माता बच्ची करनी पड़ेगी। फिलहाल तो यार जो कॉपर के और है ना वो यहाँ पे अपन डालते हैं और फटाफट से जो है गाइस यहाँ पे बहुत सारा जो है मेरे को आयरन जो है स्मेल्ट करना पड़ेगा। एंड बाकी जो है एडवांस पार्ट वगैरह तो गाइस अपने पे जो है काफी सारे पड़े हैं और इनमें ना वुड भी मैं जो है डालता रहूंगा क्योंकि मेरे को लग रहा है ओके मेरे पास वुड खत्म हो गया। एंड वेट मेरा घर जो है क्या बोलते हैं उसके पीछे मैंने जो है भाई एकदम लकड़ी फार्म बना रखा है, तो अपन ना जब तक एक काम करते हैं यहाँ से थोड़ा सा जो है वुड निकाल लेते हैं। वैसे मेरे पे ऑलरेडी जो है चेस्ट के अंदर वुड पड़ा होगा बट मैं फिर भी ना इसको कट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना अभी जो है थोड़ा सा वुड और चाहिए होगा, तो मतलब थोड़ा सा क्या ये वाला काट के जो है यहाँ पे ना दूसरा उग जाएगा। और वुड तो गाइस अपने जो है काम में आता ही रहेगा भाई क्योंकि कुकिंग वकिंग के काम में आता है, और साथ ही साथ जो है उससे जो है मैं और भी बहुत सारी चीजें बनाने वाले हैं। जैसे कि अभी जो है अपने बेस के ऊपर एक छत बनाने वाला हूँ तो उसका भी मेरे को लाइक फ्लोर बनाना पड़ेगा। एंड गाइस मैं सोच रहा हूँ यार जो अपना बेस है ना मैं इसको गाइस पूरा भाई इसमें कन्वर्ट कर दूँ, क्या बोलते हैं मेटल में तो है ही ये इसमें रेन फॉरेस्ट वॉल में क्या बोलते हो, पर इसमें ना भाई सब में जो है आयरन इंगट लगेगा वो भी एक एक। तो वैसे अपना जो बेस है ना वो ऑलरेडी यार काफी ज्यादा बड़ा है, तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है यार आयरन में बनाने में ना भाई अपना बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा ही जो है भाई आयरन लग जाएगा। और देख रहे हो यार आयरन जो है अपने पास में गाइस काफी ज्यादा कम है। फिलहाल तो यहाँ पे एक स्टील इंगट मतलब आयरन क्या बोलते हैं स्टील इंगट बन चुका है, तो अपने पे अभी टोटल जो है 2 हो चुके हैं गाइस स्टील इंगट। अभी मेरे को टोटल 8 स्टील इंगट और बनाने हैं। और मैं सोच रहा हूँ ये वाली जो फर्नेस है ना ये गाइस फर्नेस ना अपन एक और बना लेते हैं, उससे क्या होगा कि अपना काम ना थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। और ये वाली फर्नेस बनती है ओ भाई इसके लिए भी 15 आयरन इंगट लगते हैं। एंड ओके गाइस ये वाला आइडिया अपन ड्रॉप करते हैं, अपन एक ही फर्नेस से जो है काम कर लेंगे भाई। एंड क्योंकि मेरे पे ज्यादा जो है फालतू है नहीं भाई आयरन अपने पास, तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। एंड वेट यहाँ पे वुड तो नहीं चाहिए ओके वुड अभी वैसे किसी को नहीं चाहिए, बाकी ये भाई बन जाने देते अपन जल्दी से। और तब तक गाइस मेरे को कुछ काम करना है क्या, नहीं मारी ना बाहर चल के देख के आता हूँ रेड वेट तो नहीं होने वाली है कि मेरे को लगता नहीं है कि अभी के टाइम पे यहाँ पे रेड होगी। जी हाँ गाइस अभी कोई भी रेड नहीं होने वाली है जो की अच्छी बात है। और गाइस लास्ट टाइम अपन ना कहाँ पे गए थे भाई गैस स्टेशन पे गए थे ना, मैं गाइस उस गैस स्टेशन को ना लूट के भी लाया भाई पूरा, तो आज ना गाइस अपना हेलीकॉप्टर बन जाएगा तो अपन ना वहीं पे चलेंगे भाई गैस स्टेशन लूटने के लिए अपने नए वाले हेलीकॉप्टर से। तो मैं तो यार काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई उसके लिए, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई उसको बनाने के लिए ना अपन को जो है क्या बोलते हैं बहुत सारे आयरन लगने वाले यार, मतलब कुछ ज्यादा ही आयरन यहाँ पे लगेगा। चलो एक स्टील इंगट और बन के तैयार है एंड एक और बना लेते, तो 3 हो चुके हैं भाई अभी 7 और बनना बाकी है। एंड हाँ गाइस मेरे को लास्ट टाइम ना थोड़े से बढ़िया वाला आर्मर वगैरह भी शायद मिला था, एक हेलमेट तो मेरे को मिला था मेरे को याद है, बट मैंने उसको कहाँ रख दिया, मैंने कहाँ पे रख दिया यार उसको। वेट गाइस भाई मैं लास्ट टाइम लेके आया था वो कहाँ है, ये रहा गाइस ब्रोकन टैक्टिकल हेलमेट, एक बार ना इसको चेक करके आते हैं कि इसका जो है कितना आर्मर प्रोटेक्शन ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ब्रोकन टैक्टिकल हेलमेट ओ भाई ये 30+ का आर्मर दे रहा है और जो हमने अभी पहन रखा है 18 का दे रहा है, तो भाई मैंने ये बनाने वाला हूँ, इसके लिए भी भाई स्टील इंगट लगेगा। अरे यार गाइस भाई ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक ही है। एंड हाँ मेरे को ना कुछ वेपन भी मिले थे लास्ट टाइम जो कि मैं बनाना चाह रहा हूँ। पंप शॉटगन तो गाइस अपने पे ऑलरेडी है एंड लास्ट टाइम अपन को ये UMP मिली थी यार ये वाली। एंड ओके इसका डैमेज भी एक बार चेक कर लेंगे। और मेरे को क्या
क्या मिला था। हाँ वेट, मैं ना और भी चेक करता हूँ। एंड ब्रोकन STG-44, हाँ ये वाली गन भी हमें मिली थी। एंड ये तो अपने पे है, SMG तो गाइस अपने पे पड़ी है, ठीक है। और मेरे को माउजर पिस्टल भी नहीं बनानी है, पंप शॉट गन नहीं बनानी है, ओल्ड बोल्ट एक्शन राइफल भी नहीं बनानी है। तो अभी ना मैं अभी के लिए फिलहाल मैं इतनी चीजें यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। तो अपने पे क्या क्या पड़ा है, ओके ये ST-44 का डैमेज है, क्या बोलते हैं 42 को, और ये राइफल होने वाली है। एंड मेरे ख्याल से राइफल ही है ना, और ये भी राइफल है भाई। ये अपनी बोल्ट एक्शन है, ये 65 का डैमेज देती है, 42 का देगी। और ये वाली UMP SMG ज्यादा बढ़िया गाइस, ये 38 का डैमेज देगी। तो मैं ना ये बनाने वाला हूँ भाई, US-45 SMG, ठीक है ये बनाएंगे अपन। बट उससे पहले वेट, यहाँ पे चारकोल खत्म हो गया, ये लो भैया चारकोल, भर भर के लो तुम चारकोल। चारकोल अपन कैसे खत्म हो सकता है यार, चारकोल तो अपने पे इतना सारा पड़ा है कि अपनी साथ कुश्ते बैठ के ना गाइस चारकोल खा सकती है। मतलब चारकोल तो खाने की चीज है, मतलब खाएंगी नहीं, बट हाँ फिर भी इस्तेमाल तो कर ही सकती है ना। और ओके यार जल्दी जल्दी बन जाओ यार, स्टील बनने में यार काफी टाइम लग रहा है। और मैं सोच रहा हूँ ये वाला जो आर्मर है ना अपना, हेलमेट तगड़ा वाला, ये भी यार मैं बना ही लूं। बाकी ब्रोकन STG-44 तो बनानी चाहिए क्या मेरे को, एक बारी मैं देख के आता हूँ कि कितना इसमें रिसोर्सेस लगने वाला है। एंड ओके इसमें भाई स्टील इंगर लगेगा, मैं अभी के लिए फिलहाल ये तो नहीं बनाने वाला, ठीक है गाइस ये अभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अपने पे ऑलरेडी जो है भाई आयरन की काफी ज्यादा कमी सी पड़ रही है। तो मैं जो है अभी के लिए ये वाला आइडिया मतलब इसको नहीं बनाने वाला हूँ। बाकी मैं यहाँ पे जो है अपना आयरन को लगातार जो है स्मेल्ट करता रहूंगा। एंड आयरन स्मेल्ट होने में भाई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, पर ये जो है भाई इसको बनने में यार काफी टाइम लग रहा है, जिसमें कि भाई मेरे को लग रहा है काफी अच्छा खासा अपना समय जाने वाला है। एंड वेट वेट वेट, मेरे को ना ये वाली गन बनानी है, इसके लिए 8 आयरन इंगट लगेंगे यार। मैं सोच रहा हूँ पहले अपना हेलीकॉप्टर बन के तैयार हो जाए, उसके बाद जो है जितना भी आयरन बचेगा हम फिर जो है बाकी का मतलब लाइक यूज करेंगे गाइस, क्या बोलते हो। मेरे हिसाब से यही करना चाहिए, इसमें ही ज्यादा जो है समझदारी होगी कि यहाँ पर गुड। एक काम करते हैं, मैं ना डाल ही देते हैं, और चलो यहाँ पे आयरन भी अपना बन गया है भाई। आयरन बहुत जल्दी स्मेल्ट हो रहा है गाइस, आयरन जो है काफी तेजी से स्मेल्ट हो रहा है। वेट, मेरे को प्यास लग रही है, बोले भाई पानी पी लेते हो यहाँ से। बाकी थोड़ा सा खाना भी जो है अपन खा लेते हैं, खाने की हमें नीड पड़ रही है। एंड वेट अ सेकंड, मेरे को ना यार लकड़ी भी काटनी थी, पर मैं ना बाद में काटूंगा, क्योंकि अभी मेरा सारा का सारा फोकस है गाइस यहाँ पर भाई अपना हेलीकॉप्टर को बनाने का, क्योंकि तुम्हारा भाई का बचपन से सपना था भाई पायलट बनने का। पर अफसोस की बात कि मैं पायलट वहां तो नहीं भाई, गेम के अंदर ही बन जाऊं, है ना, क्या बोलते हो। गेम के अंदर ही जो है तुम्हारा भाई पायलट बनेगा। एंड चलो गाइस अपना जो है आयरन तो भाई तगड़े से स्मेल्ट हो रहा है, बाकी यहाँ पर जो है दोबारा से भाई अपन डाल देते हैं। और 5 जो है अपनी स्टील इंगट बन चुकी है गाइस, बस 5 स्टील इंगट हमें और बनानी है। एंड उसके बाद तुम्हारा भाई जो है आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ेगा। एंड रेड वेट तो नहीं हो रही है ना आज के दिन पे, ओके गाइस अभी तो मेरे को जो है माहौल एकदम ठंडा लग रहा है भाई, कोई भी जो है रेड वेट के होते हुए आसार लग नहीं रहे। एंड तब तक मैं क्या करूँ यार, मैं कर भी तो क्या सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता गाइस। तो मेरे को 2 मिनट दो, मैं जल्दी से जो है बहुत सारा का सारा जो है आयरन स्मेल्ट करके उसको ना उसमें क्या बोलते हैं स्टील इंगट में कन्वर्ट करता हूँ। एंड उसके बाद गाइस जो है अपन अपना हेलीकॉप्टर बनाएंगे फटाक से, ठीक है। एंड वेट यार, बोर्ड खत्म हो रही है गाइस, मेरे को लकड़ी चाहिए होगी भाई ढेर सारी। एंड लकड़ी का वैसे अपने पे फार्म पड़ा है पीछे की तरफ में, बट मैं ना उसको काट सकता हूँ। एंड ओके अपने पास में गाइस 20 आयरन इंगट हो चुके हैं, ठीक है 5 से 1 बनता है, तो मतलब 2 और 2 4। ओके गाइस अपने पे आयरन ना इनफ हो चुका है, ठीक है। तो आयरन अपने पे अभी बहुत ही ज्यादा हो गया है, तो अभी जो है भाई अपनी SMG भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को चाहिए होंगे गन पार्ट, और गन पार्ट अपने यहाँ पर पड़े हैं सर। और क्या चाहिए, और भी एक भाई यार, ये मैंने कुछ ज्यादा ही दूर बना दी, इसको ना वहीं तो पास में रखना चाहिए था। एंड कंपोनेंट, ओके कंपोनेंट तो अपने पे जो है भंडार पड़ा है भाई कंपोनेंट, ये लो भाई कंपोनेंट ही कंपोनेंट। एंड चलो गाइस अभी हम अपना एक और नई UMP बना लेते हैं, एंड इसको जो है तुम्हारा भाई जरूर यूज करेगा। इसमें पिस्टल एमो लगती है, इसमें भी लगती है। तो ये वाली SMG को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और उसकी जगह पे गाइस अपनी ये वाली SMG जो है अब से हम यूज करेंगे। एंड लेट्स गो, इसको चला के देखूं क्या कैसे चलती है भाई, कोई आ जाए लड़ने ही आ जाए तो थोड़ी खुशी सी हो जाए। फिलहाल चलाते हैं गाइस, ओके यहाँ पे एक क्रैब घूम रहा है, ओ इसको चलाने में मजा तो आ रहा है। एंड ये क्रैब मरा क्या, आई थिंक हाँ मर गया भाई, मेरे को लगा था मरा नहीं है पर वो मर गया गाइस। एंड ओके मेरे पे एमो ना काफी कम है, और गाइस जब मैं इस गेम को थोड़ा ऑफलाइन खेल रहा था ना, तब क्या हुआ था भाई अपने पे रेड हुई थी, तो और एक नमूने ने भाई यहाँ के सारे स्टेयर तोड़ दिए, तो मैंने अभी ना दूसरे वाले स्टेयर लगा दिए, इनसे ना चढ़ना भी काफी ज्यादा आसान है। अब मेरे को ये नहीं पता है कि एनिमीज को चढ़ना भी आसान हो, मैंने अगर कहीं कर दिया होगा तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो जो है ना अपनी सीधा बेस के अंदर घुस जाया करेंगे। अब देखते हैं, वो तो जब आएंगे तभी पता लगेगा।
रहेगा अपन के साथ में क्या होने वाला है। एंड फिलहाल तो 7 हो गया भाई, 3 ओवर चाहिए। एंड तब तक मैं एक काम करता हूँ भाई, स्मेल्टिंग का काम ना जारी रखता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी भी जो है बहुत सारी चीजें गाइस बनानी है। जैसे कि मेरे को अपना एक तगड़ा वाला आर्म मतलब हेलमेट बनाना है, उससे क्या होगा भाई अपने टकले पे जो है काफी कम गोली लगा करेगी, मतलब गोली तो लगेगी पर डैमेज काफी कम हुआ करेगा, ठीक है ना। एंड बाकी 3 आया वो बन जाए ना जल्दी से, फिर उसके बाद जो है अपन वहां चलेंगे। और वेट अ सेकेंड, मैं तब तक ये काम करता हूँ, ये SMG यहाँ डाल देता हूँ। और ओके, ये मेरे को अभी बनानी नहीं है। ब्रोकन पुलिस वेस्ट मेरे को नहीं चाहिए, इसका डैमेज ये कम ही प्रोटेक्शन देती है, इसका 30 का थोड़ा सा कम होगा। एंड बाकी पंप शॉट गन अपने पे है ही, डीगल भी है ही, ठीक है। और कोई नया वेपन है? ब्रोकन GP20 का डैमेज मैंने चेक करा था, इसका ना कम था, तो इसीलिए शायद मैंने इसको नहीं बनाया है अभी तक के लिए। वैसे अपने पे 4 जो है ब्रोकन वो पड़ी है, बट ठीक है यार, अपन को नहीं चाहिए भाई, उसकी जरूरत नहीं है। चलो भाई, यहाँ पे अपना आयरन जो है भाई धड़ल्ले से स्मेल्ट हो रहा है, और एक और बन के तैयार हो गई है भाई, 8 हो चुकी है, बस 2 और चाहिए। तब तक मैं जाके थोड़ा सा ना सामान निकाल के लाता हूँ कि उसको बनाने के लिए क्या क्या लगने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको जो है यहाँ पर पिन कर लेता हूँ लाइट हेलीकॉप्टर को। इसके लिए 8 हो चुकी है, स्क्रैप मेटल चाहिए होगा काफी सारा, स्क्रैप मेटल मैंने ले लिया है। और क्या चाहिए मेरे को? एडवांस पार्ट, तो एडवांस पार्ट चाहिए, ओके ये लो एडवांस पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, ये लो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी आ गए, और कंपोनेंट अपने पे पड़े हैं, बस स्टील इंगट चाहिए। एंड मैं सोच रहा हूँ गाइस, सब तक मेरे को एक और भी चीज बनानी थी यार, मेरे को याद आ रहा है, मुझे ना यहाँ पर वो बनाना था, ओ वेट अ सेकंड, मेरे को ना वो बनाना था यार, रिसाइकलर भी बनाना है। हाँ यार, रिसाइकलर बनाना है, और हाँ बायोफ्यूल लैब बनानी है गाइस, जिसके लिए ग्लास और रबड़ चाहिए। तो एक काम करते ना भाई, रबड़ जो है अपने पे पड़ा होगा बहुत सारा, ये लो भाई रबड़ ये आ गया। एंड ग्लास चाहिए ना थोड़ा सा, ये लो भाई 40 ग्लास लो तुम। और कुछ चाहिए सर आपको? हाँ ओके गाइस, जो है बायोफ्यूल लैब भी मैं ना बना के सोच रहा हूँ यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। देखते हैं ये काम कैसे करेगी बायोफ्यूल लैब अपनी। चलो मैंने इसको बना तो दिया है। इसमें मेरे को चाहिए एड इंटीग्रेडिएंट, एंड इसमें फ्यूल लगेगा, नो केमिकल सब्सटेंस। अच्छा, केमिकल सब्सटेंस से शायद अपना फ्यूल बन के तैयार होगा, ओके तो ये सीन है, ठीक है समझ में आ गया जी। बाकी कोल चाहिए ना, ये लो कोल। अपना आयरन जो है स्मेल्ट हो गया है गाइस यहाँ पर, तो भाई आयरन तो मैंने काफी ज्यादा जो है यहाँ पे स्मेल्ट कर लिया, मतलब लाइक देख लो एक पूरी की पूरी इन्वेंटरी अपनी भरी हुई थी, और भाई सब खाली हो गया। वैसे आयरन इंगट भी अपने पे ज्यादा नहीं है, पर हाँ अच्छी बात यह कि अपन ने ना बहुत सारी चीजें जो है बना ली है, और बस एक लास्ट जो है गाइस यहाँ पर आयरन इंगट बन मतलब स्टील इंगट बन के तैयार होने ही वाला है। फिर गाइस तुम्हारा भाई बनाएगा अपना खुद का यहाँ पर हेलीकॉप्टर, और हम जो है उसको उड़ाएंगे। एंड वेट, मैं ना तब तक एक बार ये चीज चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो है कितने केमिकल सब्सटेंस से एक वो बनना है। तो मैं अभी के लिए 9 ले रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को चाहिए थोड़ा सा वुड यहाँ पर। एंड चलो गाइस अभी ना चेक करके आते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे डालता हूँ एंड वुड ऐड करता हूँ मैं। फ्यूल है ये, इसमें फ्यूल कहाँ से? अच्छा यहाँ पर फ्यूल, टेक फ्यूल। अच्छा यहाँ पर मैं लकड़ी लगाऊंगा, तो मैं अभी के लिए 10 लकड़ी लगा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एक केमिकल सब्सटेंस से कितना फ्यूल बन के तैयार हो रहा है, ठीक है गाइस। एंड चलो गाइस यहाँ पर जो है भाई अपना आयरन मतलब स्टील इंगट बन चुका है, 10 के 10 हो गए हैं। एंड अभी गाइस मैं बनाने वाला हूँ अपना भाई हेलीकॉप्टर, एंड लेट्स गो। इसको कहाँ, ओ भाई काफी बड़ा होने वाला है यार ये तो, ओ भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इसको मैं कहाँ पे खड़ा करूँ? यहाँ पर बनाएंगे गाइस अपन। एंड चलो गाइस अपना हेलीकॉप्टर बन गया है, और ये वाला हेलीकॉप्टर भाई उसकी तरह नहीं है, वो कौन सी मूवी आई थी यार, जिसमें वो बोलता है कि मतलब प्लेन इसमें हेलीकॉप्टर में ऊपर का छत का पंखा लगा देता है, कौन सी मूवी थी यार? अगर आपको याद आ रही तो मेरे को नीचे कमेंट में बताना, मतलब काफी फनी सीन था वही वाला मेरे को हेलीकॉप्टर लग रहा है। एंड ओ भाई इसमें भी फ्यूल लगने वाला है गाइस, कोई नहीं अभी तुम्हारा भाई जो है फ्यूल लेके आ रहा है, अपने पे फ्यूल काफी जो है भरा पड़ा है। एंड वेट अ सेकंड, ओके गाइस ये केमिकल सब्सटेंस से जो है एक फ्यूल बन रहा है, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंस मेरे को लगा ही था कि वहां से ना अपन गैसोलीन वगैरह बना सकते हैं, तो भाई यहाँ पर मेरे काफी सारा जो है फ्यूल भाई यहाँ पर उस हेलीकॉप्टर में पड़ने वाला है। मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं भाई, पूरी की पूरी ना टंकी भर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है ये कितना जो है भाई कितने का एवरेज यार देने वाला होगा। फिलहाल तो वेट अ सेकंड सर, हेलो क्या हो गया? यहाँ डालो फ्यूल, इसकी टंकी में भाई 10 के 10 मैंने गैस डाल दिए, ठीक है गाइस। एंड अभी बस मेरे को करना ही है, मेरे को ना अपनी एक बारी इन्वेंट्री खाली करनी है, और निकल पड़ना है गाइस उस आइलैंड की तरफ जहाँ हमें जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी बाकी सामान अपन रख देते हैं, क्योंकि इसका भी काम हो चुका है टोटली खत्म, ठीक है। चारकोल अपने पर बहुत ही ज्यादा जो है आ
आ चुका है। बाकी यहाँ पर मेरे को एडवांस पार्ट रखने दो, मतलब गन पार्ट रखने दो, वो रख दिया मैंने। ठीक है, ऑलराइट कुछ सेट है। और क्या करना था, हाँ वेट, मेरे को ना सबसे पहले जो है ये क्रैब को मैं कुक होने रख देता हूँ, बाकी ये रोस्टेड मीट को खा लेता हूँ क्योंकि मेरे को भूख लग रही है। और उसके बाद मुझे जो है अपना सारा का सारा रबड़ यहाँ डालना है, एंड जो ग्लास है वो यहाँ, और ये ठीक है, ऑलराइट सब कुछ सेट है। एंड ये स्क्रैप मेटल यहाँ जाएगा, एंड ये जो वॉच है इसको मैं यहाँ डालूंगा। एंड चलो गाइस, और ये वुड भी भाई, अरे वुड को जो है अपन यहाँ डाल लेते हैं। ठीक है गाइस, एंड अभी जो है निकलते हैं। बस यार दिक्कत ये है कि ना मेरे पास ना खाने का आइटम है नहीं, वैसे भी अपन लूटने ही जा रहे हैं, तो यार चल रहे हैं गाइस, निकलते हैं। ठीक है, लूट के आते हैं भाई उस वाली जगह को, देखते हैं भाई, उड़ाते हैं भाई अपना पहला एक्सपीरियंस यहाँ पर, लेते हैं गाइस अपने हेलीकॉप्टर से। ठीक है, एंड ये पैसेंजर सीट है और ये है ड्राइवर सीट। एंड चलो गाइस, भाई हेलीकॉप्टर उड़ने भी लगा है। ओ भाई साहब, गाइस भाई हम उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं भाई। अरे सही है गाइस, मेरे को जाना किधर है भाई, वेट। ओ अरे 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 अरे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा यार, जाना किधर है मुझे, किधर वाले आइलैंड पे जाना था, व्हाट, मैं एक बारी मैप पे देखूं क्या। ओके, हम सही डायरेक्शन में है, पर हम ज्यादा ही कुछ ऊपर जा रहे हैं यार, इतना ऊपर नहीं उड़ना है मेरे को। भाई लिफ्ट से हम आगे जा भी रहे हैं क्या, ओ ऐसे जाएंगे हम शायद, में भी ऐसे करके, हाँ ओ ऐसे जा रहे हैं ना आगे, हाँ अभी जा रहे हैं गाइस हम लोग आगे। यो बॉय, चलो, ओ भाई मजा आ रहा है गाइस, भाई पहली बार हम इस गेम के ऊपर जो है मतलब ऊपर उड़ रहे हैं। और ये देखो भाई पानी के अंदर पूरा का पूरा एक रोड है, रोड टाइप का कुछ पड़ा है। एंड वेट अ सेकंड, मेरे को वहां जाना है वो येलो वाले मार्क पे। ठीक है, एंड चल चल भाई। एंड ओके, फ्यूल का भी एवरेज बढ़िया है, लाइक कुछ ज्यादा फ्यूल जो है भाई अपना हेलीकॉप्टर खा नहीं रहे की अच्छी बात है। बस थोड़ा सा लाइक पहली बार चलाने में मेरा थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। स्पीड देख रहे हो भाई, 234-235 की स्पीड से अपन उड़ रहे हैं। एंड चलो भाई पहुंच चुके हैं हम। एंड यार इसमें ना इंजन विंजन ऑफ करने का भी सिस्टम होता ज्यादा सही रहता, बस मेरे को डर ये लग रहा है कि अभी मेरी लैंडिंग ना क्रैश ना हो यहाँ पर। वैसे होगी नहीं, अपन एकदम आराम से प्यार वाली स्मूथ वाली जो है यहाँ पर लैंडिंग करने वाले हैं। चलो गाइस आ गए भाई हम लोग आराम से, भाई आराम से आराम से आराम से आराम से। ओए गलत जगह उठते, तेरी भैंस की टी, अबे ओए पलट ले, सीधा हो, ओके 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 ओके, सीधा हो गया। एंड चलो गाइस मैं दोबारा से जो है इस आइलैंड पे आ चुका हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है इसके अंदर चेस्ट भी होगी ना तो ज्यादा सही रहेगा यार। वैसे चेस्ट है गाइस, इसके अंदर चेस्ट भी है भाई। अरे भाई साहब गाइस, अब तो जो है अपना काम काफी ज्यादा आसान हो गया है, मतलब लाइक लूट पार्ट करना बहुत ईजी हो गया यार। अब तो जो है हम लूट बहुत ही आराम से कर सकते हैं, मतलब लाइक देखो अपने पास पे चेस्ट भी है, ट्रैवलिंग भी हम फास्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम जो है ऊपर से ही शायद लोगों को मार सकते हैं। वैसे मेरे को लग, हाँ मैं ऊपर से शायद वेपन नहीं चला पाऊंगा क्योंकि मेरे को ना भाई अपना हेलीकॉप्टर कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि लाइक थोड़ा सा रिस्की वाला सीन है, बट कोई नहीं। एंड चलो गाइस अभी भाई जो है अपन गैस स्टेशन को लूटते हैं और देखते हैं यहाँ से हमें और क्या क्या तगड़ा आइटम जो है मिलने वाला है। वैसे जितना भी तगड़ा आइटम था हमने लास्ट टाइम भाई सारा का सारा लूट लिया था, बट क्या पता गाइस हमें और भी जो है नए आइटम मिल जाए, लाइक और कोई नई गन मिल जाए। मतलब वैसे तो अपन को लाइक जितनी भी नई नई गन थी वो इसी आइलैंड से अभी तक मिली है, जैसे कि ये वाली SMG हो गई और एक वो वाली SG-44 जो भी थी, वो गन उसका नाम क्या था मेरे को याद भी नहीं है। ठीक है, वो 44 वाली SG वाली वो भी हमें यहीं से मिली थी। एंड फिलहाल तो अभी और भी चीजें चेक करते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। ऑलराइट, यहाँ पर गैसोलीन तो काफी ज्यादा मिल रहा है, एंड भाई गैस स्टेशन में गैसोलीन ही मिल रहा है, समझ रहे हो ना, तो सीन काफी सही है यार। एंड ये देखो भाई कितने सारे जो है यहाँ पे बैरल रखे हैं भाई उसके, क्या बोलते हैं, फ्यूल के, और जो कि सही है भाई अपना जितना भी फ्यूल लाइक यहाँ तक आने में लगा है वो सारा का सारा हम यहीं से रिकवरिंग कर लेंगे। एंड चलो ये भी जो है अपन पूरा का पूरा लूट ले रहे हैं, और इसमें से भी भाई कूड़े के ढेर में से क्या मिल रहा है, कंपोनेंट स्क्रैप वुड। ठीक है सर, एंड ऑल राइट, यहाँ पर और कुछ है लूटने लायक, ओके इधर तो और कुछ नहीं है। एंड बेटा सेकंड इधर चेक करते हैं, इधर भी कुछ नहीं है भाई, ये खाली पड़ा था। ओ इस लॉकर में देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, मेरे को लग रहा है इस लॉकर में तगड़ा कुछ आइटम होगा। ओ भाई ग्रेनेड का ब्लूप्रिंट, अच्छा अब मिलिट्री ग्रेनेड खुद से बना सकते हैं, ये भी सही है गाइस। चलो इसको भी अपन लर्न कर ले रहे हैं लगे हाथों। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, ओके और कुछ नहीं है। एंड इधर क्या पड़ा है, ओके इसमें से भी शायद कुछ ना कुछ मिलेगा हमें, ये सारा आइटम मिल रहा है, लाइक कूड़ा तो नहीं है पर एक तरीके से कूड़ा ही था वो, मतलब थोड़ा महंगा वाला कूड़ा था। एक सस्ता कूड़ा होता है, एक होता है थोड़ा महंगा, तो वो थोड़ा महंगा वाला कूड़ा था गाइस। बाकी मैं सोच रहा हूँ गाइस अभी एक काम करते हैं, अपन ना ऊपर चल के देख के आते हैं। वैसे मैंने लास्ट टाइम वैसे ऊपर लूट लिया था, बट वेट अ सेकंड गाइस, अरे भाई ये वाली चेस्ट यहाँ पे दोबारा आ गई, शायद इसी चेस्ट से तो मेरे को वो ब्लूप्रिंट मिला था। एंड लार्ज जनरेटर, ओ भाई गाइस अपन को एक बड़ा जनरेटर का ब्लूप्रिंट मिल गया है, आर यू सीरियस। और मेरे को एक स्पेशल फोर्स का हेलमेट, अरे भाई और तगड़ा वाला हेलमेट मिल गया गाइस मेरे को इस चेस्ट से। बट
यार मैंने तो लास्ट टाइम ये पूरी की पूरी तोड़ दी थी भाई, पता नहीं गाइस ये क्या ही नशे हैं। और ये देखो मैं भाई यहाँ पे झंडा भी अपना लगा के गया था खुद का, मुझे नहीं पता गाइस इस गेम में क्या हो रहा है। और लो गाइस हमें एक नई जो है यहाँ पे ब्रोकन M14 मिल चुकी है। ओ भाई M416 है क्या ये? वेट 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 गाइस मेरे को चेक करना है, वेट अ सेकंड, मैं एक काम करता हूँ इसको खाली करता हूँ। एंड ओ भाई सब गाइस भाई यहाँ पे तो काफी तगड़ी लूट है यार, मतलब इस गैस स्टेशन में इतनी सारी चीजें मिल रही है कि मैं क्या बताऊँ यार। और ये देखो एक और वही वाला बक्सा यार तगड़ा वाला, इसमें से भी कुछ तगड़ा आइटम मिलेगा पक्का बता रहा हूँ। एंड AK-47 ओ भाई लेट्स गो गाइस। एंड ये देखो लार्ज ब्लू जनरेटर का वो मिल गया गाइस अपन को ब्लूप्रिंट, भाई सही है ना गाइस ये? भाई बहुत ही ज्यादा सही है यार, क्यों नहीं सही है भाई, इसको रखो जेब में। एंड सबसे पहले मैं एंड ये देखो स्पेशल फॉरेस्ट स्पेशल फोर्स का हेलमेट और वेस्ट हमें एक ही जगह मिल चुके हैं, ग्रेनेड मिल चुके हैं भाई साहब। भाई भाई गाइस मैं पागल हो जाऊंगा भाई इतनी सारी चीजें। सबसे पहले AK-47 को जेब में डालो और ये जेब में डालो, मतलब यार गाइस ये गैस स्टेशन तो अपने लिए कुछ ज्यादा ही क्रेजी निकल आया, मतलब भाई इतनी तगड़ी तगड़ी लूट यहीं से मिल रही है, मैं क्या बताऊं यार। मेरे को तो अब लग रहा है कि और कोई नया आइलैंड एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है भाई, अपन को देख रहे हो यहाँ से कितना सारा सामान मिल गया गाइस। और अभी तो जो है ये गैस स्टेशन लूटना बाकी, और ये फिशिंग बेट क्या कर रही है भाई मेरे को नहीं चाहिए। एंड फिलहाल तो अपन ना ये सारा का सारा आइटम यहाँ डाल ले अपनी हेलीकॉप्टर के उसमें लाइक चेस्ट में, और चलते हैं गाइस दोबारा से लूटते हैं यार। वैसे ना अभी रात हो रखी है, बट मैं चाह रहा हूँ कि अपन ना गाइस यहाँ पे ना आज इसका किस्सा ना खत्म ही करके जाए, या फिर वैसे या फिर मैं एक काम भी कर सकता हूँ, मैं ना यहाँ पे इंतजार भी कर सकता हूँ दोबारा सुबह होने का, या फिर मैं घर भी जा सकता हूँ। वैसे मैं घर जाऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि भाई हेलीकॉप्टर चलाने को मिलेगा ना अपन को दोबारा से। एंड चलो गाइस इस वाली चेस्ट को भी मैं दोबारा से पूरा लूट के तोड़ रहा हूँ, मेरे को नहीं पता ये गेम के अंदर शायद कुछ मे बी बग या ग्लिच है, क्योंकि ये सारा का सारा सामान हमने लास्ट टाइम लूट लिया था और मतलब इन चेस्ट को हमने पूरा का पूरा ब्रेक भी कर दिया था। एंड ये फिर से आ गए और ये जो है गैस स्टेशन 47% जो है लूट कर चुके हैं गाइस हम इसके। एंड ये बड़ी सी वैन है जिसको कि लूटना बाकी है, तो उसको भी गाइस जो है अपन फटाफट से चल के यहाँ पर लूट लेते हैं। ओ भाई लेट्स गो। एंड यहाँ पर बहुत सारा स्क्रैप मेटल मिल रहा है जो कि अपना घर बनाने के काम में आएगा, ठीक है गाइस। वैसे यार काफी ज्यादा अंधेरा हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ यार अपना घर पे चला जाए क्या, क्या बोलते हो? घर ही चलते हैं और क्या ही करे यार, अभी अंधेरे में लूटू लूट ही लेता हूँ मैं, मतलब लाइक आप लोगों को तो काफी ज्यादा जो है डार्कनेस जो है स्क्रीन में लग रही होगी, आई नो मेरे को पता है, बट क्या कर सकते हैं गाइस। अभी मैं ना बार बार यहाँ पे आना चाह नहीं रहा हूँ यार, सही बताओ तो मेरा ना बार बार आने का अभी ऐसा लाइक मन नहीं कर रहा है भाई। एंड ओ भाई यहाँ पे टॉयलेट भी है, ओ माय गॉड को तो पता ही नहीं था। एंड यार अपने इसमें ना क्या बोलते हैं अपने हेलमेट की जो लाइट है ना इसमें यार बैटरी नहीं है भाई, मैंने ना गलती कर दी, बैटरी भी ना अपने साथ मेरे को लेके आनी चाहिए थी, बट अभी क्या ही कर सकते हैं। एंड चलो इसमें से क्या है भाई, कुछ नहीं है, खाली पड़ी थी ये लूट। यहाँ पे क्या है, मैं गाइस एकदम होता है ना अंधेरे में लूट रहा हूँ भाई, अंधी में लूट रहा हूँ। एंड मैं एक काम करता हूँ गाइस अभी ना लाइक मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना इंतजार कर लेता हूँ सुबह होने का, ठीक है। वैसे सुबह काफी देर में होगी, बट मैं ना दोबारा यहाँ पे ना आना नहीं चाहता हूँ। देखो भाई कपड़ा ही कपड़ा यहाँ पे मिल रहा है, वेट अ सेकंड यहाँ पर क्या है, इधर पता नहीं कुछ काटने पीटने का ऑप्शन आ रहा है। मैं फिलहाल भाई सारा का सारा लूटने वाला सामान लूट रहा हूँ जो मैं यहाँ पर लूट सकता हूँ। एंड चलो यहाँ पर थोड़ा सा और हमें कुछ मिल गया आइटम और लाइट, मेरे को सही में गाइस जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा। एंड ओके ये 72% जो है लूटेड हो चुका है, मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत ही बाकी रह गया यार, मतलब हमने ऑलमोस्ट जो है पूरा का पूरा इसको आइलैंड को लूट लिया है। देखो 74% लूट हो चुकी है इसमें, मतलब ज्यादा कुछ बची नहीं है, इधर उधर जो है थोड़ा बहुत आइटम बचा है जैसे कि ये गैसोलीन वगैरह यहाँ पर, ये तो केमिकल वाला था, मेरे को यहाँ पे गैसोलीन वाला है। एंड चलो आई थिंक गाइस हमने जो है पूरा का पूरा आइलैंड लूट लिया है भाई अंधेरे में ही, मेरे हिसाब से तो मेरे को ऐसे ही लग रहा है। एंड अभी ना गाइस एक काम करते हैं, अभी ना यहाँ से अपन निकल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इधर लूटने के लिए भाई कुछ नहीं बचा है, अब बस जो है यहाँ पर वही है स्क्रैप मेटल कूड़ा कबाड़ बस वही सारी की सारी चीजें होंगी। एंड ओके ये मेरे को पत्थर लगा लाइक इसमें आयरन वायरन होगा, बट नहीं इसमें कुछ भी नहीं है, ये बस तुम्हारा बुद्धू काटने के लिए यहाँ पे लोगों ने रखा था। एंड वेट इसके अंदर कुछ है क्या, okay, इसमें भी कुछ नहीं है। एंड चलो गाइस अभी ना एक काम करते हैं निकलते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि सारा का सारा जो आइलैंड है अपन ने यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या पूरा का पूरा भाई एकदम बढ़िया से ही लूट लिया। एंड यहाँ से हमें काफी सारी गैसोलीन स्क्रैप कपड़ा और क्या मिल रहा है, बस यही मिल रहा है रबड़ वगैरह। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से काम करते हैं अपने हेलीकॉप्टर की सवारी करते हैं दोबारा से और निकलते हैं गाइस अपने आइलैंड की तरफ, ठीक है। काफी ज्यादा भाई मजा आने वाला है फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाने में, और अभी जो है भाई रात का एक्सपीरियंस होगा तो अंधेरे में पता नहीं भाई मैं कैसे उड़ाऊंगा। चलो गाइस चलो उड़ जाओ, अरे 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 भैया जी पलट गो, ए भाई सीधा हो गया सीधा हो गया यार, इसको उड़ाना ना गाइस थोड़ा सा मुश्किल दायक तो है। अभी सही हो गया एकदम परफेक्ट हो चुका है। एंड अभी अपन जाएंगे अपने घर पे, और अपना घर किस तरफ है भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है, अपना घर किस तरफ है, ओके इस तरफ है गाइस, हो रहा है
दिख गया मेरे को अपना घर। एंड चलो गाइस चलते हैं भाई, वैसे अंधेरा हो रखा है तो लाइक अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपन आगे बढ़ भी रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। बस मेरे हिसाब से तो हम लोग बढ़ रहे होंगे। एंड चलो ओ भाई हम तो नीचे गिर रहे हैं क्या? ऊपर 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 भाई, नीचे मत गिरियो यार। ए भाई पलट मत जियो यार, पानी के अंदर डूब गया ना भाई मैं, कहानी गड़बड़ है गाइस। भाई अपनी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी क्योंकि अपना हेलीकॉप्टर सोचो पहले एपिसोड में क्या पहली बारी हमने उड़ाया और पहली बारी में सोचो पानी में डूब गया तो काफी गलत सीन हो जाएगा गाइस। भाई ऐसा मैं नहीं चाह रहा यार, ऐसा ना हो अपने साथ। लाल तुम्हारा भाई ऐसा होने देगा नहीं। एंड चलो गाइस हम लोग जो है अपने बेस पे देख रहे हो कितनी जल्दी आ गए यार। पहले हमें कितना टाइम लगता था भाई बोट से पानी में चला के आओ, और अभी देखो भाई कितनी जल्दी जो है अपन यहाँ पर आ गए। वो रहा अपना बेस, हालांकि भाई इसमें लाइटिंग चमक रही है अभी तो मेरे को ना यहाँ पे और सारी लाइटें लगानी है। एंड मेरे को ना क्या बोलते हैं अपने को बहुत सारी और नई नई चीजें मिल गई हैं। बट वेट यार मेरे को ना भाई अपना हेलीकॉप्टर उतार। अरे ओए क्रैश नहीं भाई 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 प्लीज क्रैश नहीं होना, प्लीज क्रैश नहीं होना है। वो पानी में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। ऑल राइट के भाई इसको उतारना गाइस काफी मुश्किल है यार, मतलब मजाक से हट के यार ज्यादा ही मुश्किल है। आगे चल एंड ओके ये एकदम परफेक्ट स्पॉट है, यहीं पे तेरे को लैंड होना है। हो जा। ओ भाई फाइनली गाइस हमने जो है सेफली लैंड कर लिया अपने हेलीकॉप्टर पे, मतलब हेलीकॉप्टर से। एंड अभी जो है ना फटाफट से चल के पहले अपन ना सो लेते हैं ठीक है, क्योंकि रात हो रखी है भाई, रात के 3 बज चुके हैं तो यहाँ पर सोने का कोई वैसे मतलब नहीं है, बट मैं सोऊंगा। एंड सुबह उठ के जो है मैं बहुत और भी ज्यादा काम करना है ठीक है। तो अभी ना फटाफट से पहले मैं चेक कर लेता हूँ रेड तो नहीं हो रही है, रेड नहीं हो रही है गाइस। एंड अभी ना एक काम करते हैं अपन ना सबसे पहले जो है अपनी इन्वेंट्री खाली करते हैं और जो नया नया आइटम है ना भाई वो निकाल के लाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तगड़ा आइटम पड़ा है। तो डक्ट टेप, ग्लास और क्या रख सकते हैं कंपोनेंट के लिए, तो बाजू में रखना पड़ेगा स्क्रैप मेटल। हाँ यार ये स्क्रैप मेटल जो है अपन सारे के सारे यहाँ डाल देते हैं। और लाइट, चलो थोड़े से स्क्रैप मेटल इधर जाएंगे और बाकी और क्या सामान है, फालतू वाला कपड़ा इधर रख। एंड ये वाला क्लॉथ यहाँ जाएगा, ये रबड़ यहाँ जाएगी भाई। इन्वेंट देख रहे हो गाइस मैंने ना और बैरल भी बना दिए यहाँ पे, मतलब सामान रखने के लिए, क्योंकि सारी की सारी यार बिल्कुल ही जो है भर चुकी है। एंड केमिकल सब्सटेंस भी पड़ा है ना। ओके ये कपड़ा यहाँ जाएगा, ये जीन्स यहाँ ठीक है। एंड बाकी मेडिसिन का सामान यहाँ पर जाएगा। लाइट एंड बाकी जो सामान है अपना प्लास्टिक फाइबर वो यहाँ जाएगी। एंड ब्लैक पाउडर भी मैं यहाँ रख रहा हूँ, एमओ भी यहाँ, ग्रेनेड भी यहाँ, और ये गन पार्ट यहाँ जाएंगे। ये वॉच यार, ये वॉच को ना मेरे को रखे आना पड़ेगा यार, मतलब मैं चाहता हूँ, मतलब मैं चाहूँ तो सामान को इधर उधर फेंक सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ अपना सारा का सारा सामान ना एकदम लाइक सेट रहे हर टाइम, समझ रहे हो। एंड कोई रेड तो नहीं होने वाली है। ओके गाइस कोई भी रेड अभी के, मतलब अभी कोई रेड होने के आसार मेरे को लग नहीं रहे हैं। बाकी गाइस निकालते हैं भाई अपना कुबेर का खजाना एंड चलते हैं गाइस, और अभी चेक करते हैं भाई कौन कौन सी चीज में हमें क्या क्या तगड़ा मिलने वाला है। एंड ऐसे ही चलते हैं भाई, तो सबसे पहले चेक करेंगे गन में ठीक है। हमें AK-47 का गाइस फाइनली जो है ब्लूप्रिंट मिल चुका है, मतलब गन मिल चुकी है जिसका डैमेज 50 का है, और एक M4 कुछ करके गन मिली थी ना, M14 ओके M14 मतलब ये मिनी 14 है जिसका डैमेज 60 का है गाइस। ओके वैसे अपनी बोल्ट एक्शन से थोड़ी सी लो है बट ठीक है गाइस चल जाएगा काम। लाल पानी पीन दो मेरे को, और मेरे को आर्मर मिला था गाइस तगड़ा वाला, तो आर्मर कहाँ गया भाई? ये ब्रोकन फॉर स्पेशल फोर्स की जो आर्मर है भाई 45 का प्रोडक्शन देगा, और हेलमेट जो है वो 35 का देगा, मतलब जो हम पहले टेक्टिकल हेलमेट बनाने वाले थे ना ये उससे और ज्यादा अच्छा है। तो इसके लिए मेरे को स्टील इंगट वगैरह काफी सारे लगेंगे, और जो गन मेरे को मिली है AK-47 इसके लिए क्या क्या लगेगा भाई? इसके लिए फाइन वुड स्टील इंगट, अरे हाय हाय स्टील इंगट गाइस बहुत चाहिए, और ये वाली गन को बनाने के लिए भी स्टील इंगट चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर मेल देखा जाए ना तो स्टील इंगट का गाइस अभी और भी ज्यादा जो है यूज होने वाला है, बट प्रॉब्लम ये है कि यार स्टील जितना भी मतलब लाइक अपने पे पड़ा था, मतलब अभी तो थोड़ा बहुत और पड़ा है, बट यार स्टील इंगट ना मिलते काफी ज्यादा कम है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला सीन है। एंड बाकी हाँ मेरे को याद आया, अरे मैं तो भूल गया यार, मेरे को भाई बड़ा वाला जनरेटर बनाने का भी तो एक ब्लूप्रिंट मिला था। देखते हैं गाइस, एयर फिलिंग स्टेशन, स्मॉल जनरेटर एंड लार्ज जनरेटर, भाई इसके लिए भी हमें जो है स्टील इंगट लगेगा। ऑल राइट, बट इससे होगा क्या? प्रोवाइड्स पावर टू वेरियस इलेक्ट्रिक डिवाइस, अ लार्ज जनरेटर दैट कैन कनेक्ट मोर इलेक्ट्रिकल। अच्छा मतलब बड़ा जनरेटर बनाने से होगा कि हम एक ही जनरेटर से बहुत सारी चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब उसके लिए हमें मल्टीपल जनरेटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड गाइस बनाएंगे गाइस, सब कुछ बनाएंगे, टेंशन मत लो। बट गाइस बट आज का जो अपना एपिसोड है गाइस वो फिलहाल हम यहीं पे खत्म करते हैं ठीक है। और गाइस आप लोग जो है मेरे को कमेंट में जरूर से बताना कि नेक्स्ट जो है हमें
सबसे पहले क्या बनाना चाहिए। वैसे मेरा मन तो है गाइस कि मैं जो है भाई AK-47 को बनाऊं, क्योंकि भाई वो ना अपना अलग ही प्यार सा है भाई, एंड वो वाली गन का डैमेज भी काफी ज्यादा तगड़ा है भाई, 50 प्लस का डैमेज है, तो चलाने में और एनिमी की मारने में भाई बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो आप लोग जो है जल्दी से कमेंट में बताओ, एंड बाकी गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।